नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सामाजिक क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में संचार से संबंधित प्रमुख प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी और डाक संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अगर आप दोस्तों हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देर के दोस्तों चलते सीधा वीडियो की तरफ, देखते हैं आज का पहला कंटेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, समाचार पत्र की। समाचार पत्र से रिलेटेड प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। पहला कंटेंट दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं? ठीक है, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, ये होते हैं दोस्तों भोपाल से। कहाँ से? भोपाल से। ठीक, इसके बाद अगला कंटेंट दोस्तों हमारा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रचार प्रसार वाला कौन सा, सर्वाधिक प्रचार प्रसार वाला समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार वाला समाचार पत्र है दोस्तों, ये है दैनिक भास्कर। कौन सा है? दैनिक भास्कर। और दोस्तों कहाँ से प्रकाशित होता है ये? भोपाल से प्रकाशित। ठीक है, सन अगर इसका पूछे कि कब से प्रकाशित होता है, तो ये होता है दोस्तों सन 1958 से प्रकाशित। ठीक है, सन 1958 से प्रकाशित होता है। एक ही प्रश्न में हमने तीन कंटेंट देख लिए दोस्तों। आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रचार प्रसार वाला समाचार पत्र कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा? दैनिक भास्कर। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि दैनिक भास्कर जो समाचार पत्र है, ये कब से प्रकाशित होता है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से प्रकाशित होता है। तो आपको तीनों कंटेंट याद रखना है। तीनों कंटेंट को मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला कंटेंट देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला उर्दू साप्ताहिक। कैसा दोस्तों? उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सा है, दैनिक है कि साप्ताहिक है कि मासिक है। और स्पेशली ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा है, उर्दू है या हिंदी वाला है। ठीक है, इसमें पूछा है आपसे कि मध्य प्रदेश का पहला उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, तो ये है दोस्तों ग्वालियर अखबार। इसका नाम है ग्वालियर अखबार। ठीक है, ये पहला उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र है। ये प्रकाशित होता है दोस्तों कहाँ से, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ग्वालियर से प्रकाशित। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता है? ग्वालियर से। और कब से प्रकाशित हो रहा है दोस्तों? सन 1840 से। सन 1840 से प्रकाशित। ठीक है, इसमें भी तीनों कंटेंट देख लिए हमने। आपसे कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तीनों कंटेंट को याद रखना है। अगला कंटेंट देखेंगे दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला हिंदी साप्ताहिक। कैसा है दोस्तों? हिंदी साप्ताहिक। अभी हमने ऊपर जो देखा था ग्वालियर अखबार, ये कैसा था? उर्दू साप्ताहिक था। मध्य प्रदेश का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र। ठीक है, पूरा नहीं लिखते हैं। तो कौन सा है दोस्तों हमारा? ये है मालवा अखबार। इसका नाम है मालवा अखबार। ठीक है, ये कहाँ से प्रकाशित होता है दोस्तों?
इंदौर से, कहाँ से, इंदौर से प्रकाशित, कब से प्रकाशित होता है ये भी हम देख लेते हैं। मालवा अखबार जो है हमारा मध्य प्रदेश का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, ये प्रकाशित होता है सन 1848 से प्रकाशित होता आ रहा है, ठीक है। ये था दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र। इसके बाद अगला कंटेंट देखेंगे हम दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला द्विभाषीय, कैसा द्विभाषीय, मतलब कि दो भाषाओं में प्रकाशित होने वाला मध्य प्रदेश का पहला द्विभाषीय समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों, ये भी है दोस्तों हमारा मालवा अखबार, ठीक है, मालवा अखबार जो कि दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता है, हिंदी और उर्दू में। पहले सिर्फ हिंदी में प्रकाशित होता था लेकिन बाद में उर्दू भाषा में प्रकाशित होने लगा है। देख लेते हैं कौन कौन सी, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित, ठीक है, कौन सा, मालवा अखबार मध्य प्रदेश का पहला द्विभाषीय समाचार पत्र है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला दैनिक, कौन सा दैनिक, उर्दू समाचार पत्र, ठीक है। ऊपर जो हमने देखा था वो कौन सा था दोस्तों, मासिक था, अब ये कौन सा है दैनिक, दैनिक के साथ में कौन सा है उर्दू, इसका नाम है दोस्तों आफ्ताब ए कुदरत, क्या नाम है समाचार पत्र का, आफ्ताब ए कुदरत, ठीक है दोस्तों। ये जो समाचार पत्र प्रकाशित होता है कहाँ से होता है, भोपाल से प्रकाशित, ठीक है, और कब से प्रकाशित होता है, ये प्रकाशित होता है सन 1865 से प्रकाशित, ठीक है। तीनों कंटेंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला दैनिक उर्दू समाचार पत्र कौन सा है, आफ्ताब ए कुदरत, जो कि भोपाल से प्रकाशित होता आ रहा है सन 1865 से। इसी के साथ हिंदी वाला दैनिक समाचार पत्र भी देखेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र, ठीक है, ये कौन सा है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों नवजीवन, क्या नाम है, नवजीवन समाचार पत्र, जो कि मध्य प्रदेश का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र है। कहाँ से प्रकाशित होता है दोस्तों, ये प्रकाशित होता है इंदौर से प्रकाशित, ठीक है, कब से होता है, ये प्रकाशित हो रहा है सन 1939 से, ठीक है, प्रकाशित। अगला कंटेंट देखेंगे हम दोस्तों, अगर ऐसा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र तो आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश का पहला जो सबसे पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था, ग्वालियर अखबार, जिसके बारे में अभी हम ऊपर देख चुके हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो कि आपको पता होना चाहिए कि कैसा था, उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र है, ठीक है, और कब से प्रकाशित हो रहा है, ये देखा था हमने कि ये 1840 से प्रकाशित होता है दोस्तों। इसमें आपसे प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश का जो पहला समाचार पत्र है ग्वालियर अखबार वो कैसा है, उर्दू साप्ताहिक है कि उर्दू दैनिक है कि हिंदी साप्ताहिक है, हिंदू दैनिक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, कैसा है, उर्दू साप्ताहिक जो कि 1840 से प्रकाशित होता आ रहा है। अगला कंटेंट दोस्तों बहुत ही मोस्ट टाइम पे कंटेंट है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में चल रहा
समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश का वर्तमान में चल रहा सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? उसका नाम है दोस्तों जयाजी प्रताप हिंदी साप्ताहिक। जयाजी प्रताप हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, ठीक है, नाम है उसका जयाजी प्रताप। और कैसा है दोस्तों, वो हिंदी भाषा का है साप्ताहिक समाचार पत्र, जो कि वर्तमान में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र है। ये कहाँ से प्रकाशित होता है दोस्तों? प्रकाशित होता है ग्वालियर से, ठीक है, ग्वालियर से प्रकाशित। कब से होता है दोस्तों? ये 1905 से प्रकाशित होता आ रहा है, 1905 से प्रकाशित, और आज भी वर्तमान में भी ये चल रहा है। ठीक है, आपसे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंटेंट है, इसलिए डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जयाजी प्रताप हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र जो है वो कहाँ से प्रकाशित होता है, या फिर कब से प्रकाशित होता आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जो ये समाचार पत्र है इसका पहले नाम था जयाजी प्रताप हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र, लेकिन अभी वर्तमान में जो इसका नाम बदल दिया गया है उसका एक कंटेंट हम देखेंगे। जयाजी प्रताप समाचार पत्र का वर्तमान नाम, ठीक है, क्या है दोस्तों? इसका वर्तमान नाम है मध्य प्रदेश संदेश। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश संदेश किस समाचार पत्र का नया नाम है। ठीक है, और अगला कंटेंट है दोस्तों हमारा कि मध्य प्रदेश का सिनेमा से संबंधित पहला समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सिनेमा से संबंधित जो पहला समाचार पत्र है इसका नाम है सिने एक्सप्रेस। ठीक है, क्या नाम है? सिने एक्सप्रेस। कहाँ से प्रकाशित होता है दोस्तों? ये प्रकाशित होता है इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से प्रकाशित। सन इसका अगर हम देखें 1959, कब से? 1959 से प्रकाशित। ठीक है, कौन सा दोस्तों? सिने एक्सप्रेस, जो कि मध्य प्रदेश का सिनेमा से संबंधित पहला समाचार पत्र है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में राजनीति से संबंधित पहला समाचार पत्र कौन सा है? ठीक है दोस्तों, इनमें सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समाचार पत्र का नाम और वो कहाँ से प्रकाशित होता है ये याद ही रखना है, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में राजनीति से संबंधित जो पहला समाचार पत्र है इसका नाम है भारत भ्राता। क्या नाम है? भारत भ्राता समाचार पत्र। ठीक है, जो कि कैसा है दोस्तों? ये है हिंदी साप्ताहिक। ठीक है, ये प्रकाशित होता है दोस्तों रीवा से। कहाँ से? रीवा से प्रकाशित। और सन अगर इसका हम देखें तो ये है 1887 से प्रकाशित। कौन सा दोस्तों? भारत भ्राता समाचार पत्र रीवा से प्रकाशित होता है। एक और वीडियो हम इसके लिए बना देंगे जिसमें स्पेशली बता देंगे कि कौन सा जो समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र।
मराठी समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों, क्या नाम है इसका? इसका नाम है दोस्तों पूर्ण चंद्रोदय। क्या नाम है? पूर्ण चंद्रोदय। ठीक है, ये प्रकाशित होता है दोस्तों भोपाल से। कहाँ से? भोपाल से। ठीक है, भोपाल से प्रकाशित। सन इसका हम देखें तो ये होता है 1860 से प्रकाशित। ठीक है, कौन सा दोस्तों? पूर्ण चंद्रोदय, जो कि मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र। कैसा दोस्तों? सिंधी समाचार पत्र। कौन सा दोस्तों? ये है दोस्तों फर्ज। क्या नाम है इसका? फर्ज। ये प्रकाशित होता है दोस्तों भोपाल से। कहाँ से? भोपाल से प्रकाशित। ठीक है, कौन सा? फर्ज, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र है। इसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की पहली हिंदी मासिक पत्रिका कैसी दोस्तों? मध्य प्रदेश की पहली हिंदी मासिक पत्रिका। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका नाम है नवजीवन। क्या नाम है? नवजीवन, जो कि कहाँ से प्रकाशित होती है? इंदौर से। सन अगर इसका हम देखें तो ये होती है 1915 से प्रकाशित, मध्य प्रदेश की पहली हिंदी मासिक पत्रिका। अगला जो कंटेंट है दोस्तों, इस पर 5 स्टार आप लगा सकते हैं, जो बहुत ही IMP प्रश्न है दोस्तों, कि मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका। ठीक है, मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों हलचल। इसका नाम क्या है? हलचल, जो कि कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्तों? ये होती है इंदौर से। ठीक है, इंदौर से प्रकाशित। पहले एग्ज़ाम में प्रश्न बना है दोस्तों यहाँ से, कि मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका हलचल कहाँ से प्रकाशित होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंदौर से प्रकाशित होती है। इसके बारे में एक और आपको ध्यान रखना है कि ये जो हलचल खेल पत्रिका है, ये किसकी है दोस्तों? ये है नई दुनिया समाचार पत्र की पत्रिका है। ठीक है, किसकी है ये पत्रिका? नई दुनिया समाचार पत्र की। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक प्रचार प्रसार वाला समाचार पत्र। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्रचार प्रसार वाला समाचार पत्र, वो कौन सा था दोस्तों? दैनिक भास्कर। लेकिन अगर पूछे कि मध्य प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक प्रचार प्रसार वाला समाचार पत्र, ये है दोस्तों नई दुनिया। कौन सा है? नई दुनिया। कहाँ से प्रकाशित होता है दोस्तों? ये प्रकाशित होता है इंदौर से। और सन इसका अगर हम देखें तो ये प्रकाशित होता है सन 1947 से। ठीक है, कब से? सन 1947 से। इम्पोर्टेंट मासिक पत्रिका जो कि डायरेक्ट नाम से पूछी जा सकती है, उसके बारे में हम देखेंगे, आहा जिंदगी। क्या नाम है? आहा जिंदगी मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। ठीक है, आहा जिंदगी जो मासिक पत्रिका दोस्तों, ये प्रकाशित होती है भोपाल से। कहाँ से? भोपाल से। ठीक है, सन अगर इसका हम देखें तो दोस्तों सन आ जाएगा 2004 से। ठीक है, ये दोस्तों किसकी पत्रिका है? ये पत्रिका दोस्तों दैनिक भास्कर
समाचार पत्र की पत्रिका है कौन सी? हाँ, जिंदगी, ये जो है मासिक पत्रिका किसकी है दोस्तों? ये दैनिक भास्कर अखबार की है। इसके बाद अगला कंटेंट हम देखेंगे दोस्तों, इसके बारे में लगभग आप सभी लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? ठीक है, इस पत्रिका का नाम है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये पत्रिका पढ़ते भी होंगे, इसका नाम है रोजगार और निर्माण। ठीक है, रोजगार और निर्माण, ये जो पत्रिका है दोस्तों स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें लगभग आपको रोजगार से संबंधित सारी तमाम प्रकार की जानकारियाँ मिल जाती है, इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए, सप्ताह में एक बार मिलती है। तो प्रकाशित कहाँ से होती है? प्रकाशित होती है दोस्तों भोपाल से। कहाँ से? भोपाल से। और सन इसका अगर हम देखें तो 1985 से प्रकाशित। ठीक है, कौन सी? हिंदी साप्ताहिक पत्रिका रोजगार और निर्माण। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, ये भी आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आईएमपी कंटेंट है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादन किए गए समाचार पत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी ने दोस्तों 3 समाचार पत्रों का संपादन किया है, कौन कौन से? पहला है कर्मवीर, दूसरा है हमारा प्रभा, तीसरा है हमारा प्रताप। ठीक है, और कहाँ से प्रकाशित होते हैं ये तीनों अखबार है दोस्तों? खंडवा से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, आपसे तीनों नहीं पूछेगा दोस्तों, लेकिन आपको डायरेक्ट प्रश्न दे दिया जाएगा कि कर्मवीर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, या फिर ऐसा दे दिया जाएगा कि कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक कौन है। ठीक है, तो आपको ये कंटेंट याद रखना है, तीनों अखबारों के नाम याद रखना है, खंडवा से प्रकाशित होते हैं, और किसने इसका संपादन किया है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। इसी के साथ एक और है दोस्तों हमारे, हरिशंकर परसाई, उनके बारे में देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा संपादन किया गया समाचार पत्र, ठीक है, हरिशंकर जी परसाई द्वारा संपादन किया गया समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? इसका नाम है वसुधा। ठीक है, या तो आपको इनका नाम देकर संपादन पूछ लिया जाएगा कि कौन से अखबार का संपादन किया है, अखबार का नाम क्या है दोस्तों? वसुधा। ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट इसका नाम दिया जा सकता है कि वसुधा जो समाचार पत्र है इसका संपादन किसने किया है, तो किसने किया है? हरिशंकर जी परसाई ने। और ये कहाँ से प्रकाशित होता है दोस्तों? जबलपुर से। अगला कंटेंट देखते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश का पहला संध्याकालीन अखबार कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश का जो पहला संध्याकालीन अखबार है दोस्तों ये है, इसका नाम है प्रदीप। क्या नाम है? प्रदीप। ये कहाँ से प्रकाशित होता है दोस्तों? भोपाल से। ठीक है, सन अगर इसका हम देखें तो ये प्रकाशित होता है सन 1950 से प्रकाशित। ठीक है, कौन सा दोस्तों? प्रदीप, जो कि मध्य प्रदेश का पहला संध्याकालीन समाचार पत्र है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, आज हमने देखे मध्य प्रदेश में समाचार पत्र से संबंधित प्रश्न। और वीडियो अच्छा लगा हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर के PDF फाइल जो है बिल्कुल फ्री मिलेंगे। धन्यवाद।